वीडियो LS67 पाको फ्रम द फालोइंग बैलेंस शीट ऑफ अरुणा लिमिटेड आस ऑन 31 मार्च 2019 कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो वन डेब्ट इक्विटी रेशियो रेंडु प्रोप्रेटरी रेशियो अंड कैपिटल गियरिंग रेशियो ओके मूणु रेशियो कैलकुलेट पण्ण सोल्लिरुक्कांग बैलेंस शीट ऑफ अरुणा लिमिटेड आस ऑन 31 मार्च 2019 पर्टिकुलर्स पारुंगा इक्विटी अंड लायबिलिटी वंदु शेयर होल्डर फंड वंदु शेयर कैपिटल वंदु इक्विटी शेयर कैपिटल 150,000 8% प्रिफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख रिजर्व एंड सरप्लस वंदु 150,000 ओके नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग वंदु 9% डिपेंचर 4 लाख करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरोइंग फ्रॉम बैंक 25,000 ट्रेड पेयबल 75,000 टोटल 10 लाख असट्स वंदु नॉन करंट असट फिक्स्ड असट 7,50,000 करंट असट इन्वेंटरी 1,20,000 ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 27,500 करंट असट एक्सपेंसेस पेड इन अड्वांस 2,500 टोटल 10 लाख ओके फर्स्ट फार्मूला कैंडपिटी डेप्ट इक्विटी रेश्यो डेप्ट इक्विटी रेश्यो इन फार्मूला डेप्ट इक्विटी रेश्यो लॉन्ग टर्म डेप्ट बाय शेयर होल्डर्स फंड लॉन्ग टर्म डेप्टना वन इयर के मेल डेप्ट लायबिलिटी नम्बर पे पड़े नॉन करंट लायबिलिटी पारें करंट लायबिलिटी उठें नॉन करंट लायबिलिटी को लॉन्ग टर्म बोरोइंग 9% डिपेंचर अदा लॉन्ग टर्म डेप्ट 4 लाख अब लॉन्ग टर्म डेप्ट वह 4 लाख पटर की लॉन्ग टर्म डेप्ट 9% डिपेंचर 4 लाख पटर की शेयर होल्डर फंड शेयर होल्डर फंड मूणुमें सर इक्विटी शेयर कैपिटल प्रिफरेंस शेयर कैपिटल अद्कुत रिजर्व सरप्लस इक्विटी शेयर कैपिटलो प्रिफरेंस शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस आड पड़ना अब इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000 प्रिफरेंस शेयर कैपिटलो 2 लाख रिजर्व सरप्लस 1,50,000 मूणु आड पड़ना मूणु नालु अंजु 5 लाख वो अब 1,50,000 2 लाख 1,50,000 अब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रिफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस मूणु आड पड़ना 5 लाख अब शेयर होल्डर फंड 5 लाख फार्मूला डेप्ट इक्विटी रेशियो लॉन्ग टर्म डेप्ट बाय शेयर होल्डर फंड लॉन्ग टर्म डेप्ट वो डिपेंचर मटा 4 लाख डिवाइड बाय द शेयर होल्डर फंड 5 लाख रेंड डिवाइड पन्ना 0.8:1 ओके पॉइंट एट इस टू वन वो डेप्ट इक्विटी रेश्यो अत प्रोप्रेटरी रेश्यो वो शेयर होल्डर फंड्स बाय टोटल असेट शेयर होल्डर्स फंड बाय टोटल असेट्स शेयर होल्डर फंड कैंडपिटा 5 लाख टोटल असट 10 लाख अब 5 लाख प्रॉपर्टी रेश्यो शेयर होल्डर फंड्स डिवाइड बाय टोटल असेट शेयर होल्डर फंड 5 लाख कैंडपिटा 5 लाख डिवाइड बाय टोटल असेट 10 लाख अब डिवाइड पड़ना 0.5:1 इतना प्रॉपर्टी रेश्यो अत कैपिटल जियरिंग रेश्यो कैपिटल जियरिंग रेश्यो फार्मूला फंड्स बियरिंग फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड इक्विटी शेयर होल्डर फंडना इक्विटी शेयर कैपिटल मटोड रिजर्व सरप्लस आड पड़ना ओके इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000 1,50,000 रिजर्व सरप्लस 1,50,000 वो ओके फंड्स बियरिंग फिक्स्ड इंटरेस्ट फंड्स बियरिंग फिक्स्ड इंटरेस्ट डिविडेंड पारें 8% प्रिफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख इंगे वो 9% डिपेंचर लॉन्ग टर्म अब 4 लाख रेडे आड पड़ा 6 लाख ओके अदांग फंड्स बियरिंग फिक्स्ड इंटरेस्ट डिविडेंड 8% प्रिफरेंस शेयर कैपिटल प्लस 9% डिपेंड रेडे आड पड़नों 2 लाख प्लस 4 लाख 6 लाख ओके फंड्स बियरिंग इंटरेस्ट आर डिविडेंड अंत फंड फंड इंटरेस्ट बियरिंग रेट आफ इंटरेस्ट डिविडेंड ओके 6 लाख அடுத்து ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர் ஃபண்ட் என்னென்னா ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டலும் ரிசர்வ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் மட்டும் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் ஆட் பண்ணக்கூடாது ஈக்விட்டின்னு வந்துட்டாலே ஓகேங்களா ஷேர் ஹோல்டர் ஃபண்டுனா மூணுமே சேரும் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் ப்ளஸ் ரிசர்வ் சர்ப்ளஸ் சேரும் ஆனால் இங்கே ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர் ஃபண்டு கேட்டிருக்கனால ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ப்ளஸ் ரிசர்வ் சர்ப்ளஸ் ஆட் பண்ணணும் அப்போ 1,50,000 இது ஒரு 1,50,000 3 லாக்ஸ் அப்போ ஃபார்முலா பாருங்கள் இப்போ நம்ம கேபிட்டல் ஜியரிங் ரேஷியோ ஃபண்ட்ஸ் பியரிங் ஃபிக்ஸட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டிவிடெண்ட் வந்து ஏற்கனவே 6 லாக்ஸ் வந்துச்சு இங்கே 6 லாக்ஸ் இங்கே வந்து கீழே வந்து ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர் ஃபண்டில் 3 லாக்ஸ் ரெண்டு டிவைட் பண்ணால் 2:1 ஓகேங்களா மூணு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டெப்ட் இக்விட்டி ரேஷியோ 0.8:1 அடுத்த ப்ரொப்ரேட்டரி ரேஷியோ வந்து 0.5:1 கேபிட்டல் ஜியரிங் ரேஷியோ வந்து 2:1 ஓகேங்களா திரும்ப திரும்ப பாருங்கள் எதாவது என்ன வரும் எங்கெங்கே அப்படின்னு இந்த ஃபார்முலா நான் கொடுத்துருக்க ஆரம்பத்துலேருந்து பார்த்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா தான் புரியும் திரும்ப திரும்ப பாருங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஈஸியாக புரியும் நிறைய எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டு எக்ஸசிஸ்டம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஈஸியாக புரியும் புரியலன்னா கேளுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடுங்க ஓகேங்களா தேங்க்ஸ்